Good morning students, my name is Nisha Sharma, I am your maths teacher. Today I will teach you chapter 1 of class 5th and the name of the topic is numbers. This is the book name is Mathematics NCERT and the page number is 1 to 10. So in this chapter numbers we have some topics. First topic is introduction of numbers up to 5 digits. Second one is extension of numbers, place value of numbers, comparison of numbers, ascending and descending order of numbers. So first we take first topic, introduction of up to five digits, that is this is the smallest number of 4 digits. This is the biggest number of 4 digits. So now we add 1 in this, so we get 10,000. This is the smallest number of 5 digits. So this is the smallest number of 5 digits and this is the biggest number of 4 digits. Now we take an example of how we make 10,000 in different ways. Like, there are 4 tens. 1, 2, 3, 4. 4 tens are multiplied with each other, then we get 10,000. In another way, how can we make 10,000? Hundreds multiplied by hundreds. That means 2 hundreds are multiplied with each other, then we get 10,000. Okay? These are the two ways to make 10,000. The smallest number of 5 digits. Now the next topic is formation of numbers. How can we form a number? हम एक number को कैसे form करेंगे? वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे. So let's take an example. First, 7,000 plus 500 plus 40 plus 2. So what we get? 1000 value, hundreds, tens, ones. ये value किसकी है? Ones की, tens की, hundreds की, and this is the thousands value. Okay? Now the another example. Ones, tens, hundreds, thousand, 10,000. Okay? So what we get is, how we read this? 1247.
ओके अगर हम ये कॉमा यूज करते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए इस नंबर को पढ़ना. सो हाउ वी रीड दिस, फर्स्ट वी यूज कॉमा. द फर्स्ट कॉमा इज आफ्टर थ्री नंबर्स. फर्स्ट कॉमा हम कहाँ यूज करते हैं, थ्री नंबर्स के बाद में. सो हम उसे कैसे रीड करेंगे, वंस की वैल्यू टेन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड. सो 12345. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स. एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स में हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमास. अभी मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को. इस तरीके का कॉमास हमने कहां यूज किया था, थ्री नंबर्स के बाद में, तो इजीली हो जाता है हमें पढ़ना 10,243 इस तरीके से. सो व्हाट इज दिस 10,000, कॉमा कहां आएगा, यहां. दिस इज द वैल्यू ऑफ वंस, टेन्स, हंड्रेड्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ थाउजेंड्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन थाउजेंड्स. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ वंस, टेन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड. सो नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल, दिस वन, टेन्स, हंड्रेड्स, कॉमा, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड. सो हाउ वी राइट दिस, प्लस टू. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स. अगर आपसे एग्जाम में वर्ड्स की फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब पूछी जाती है तो आप क्या करोगे, कुछ इस तरीके से लिखोगे इसे. नंबर्स की फॉर्म में पूछी जाएगी तो आप किस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से, नंबर्स की फॉर्म में. ठीक है, वर्ड्स की फॉर्म में वर्ड्स में, नंबर्स की फॉर्म में नंबर्स में. So now we take in another example. प्लस 100 की वैल्यू में क्या है, जीरो,
20,000 plus 6,000 प्लस 100 की वैल्यू क्या है? जीरो। सो 100 की वैल्यू में यहाँ जीरो है तो हम स्किप कर देंगे इसे, यहाँ कुछ नहीं आएगा। टेंस की वैल्यू आएगी सीधा 52, ठीक है, कुछ इस तरीके से। 70,000 ये हो गया 10,000 की वैल्यू, 6,000 1,000 की वैल्यू, 100 में हमारे पास जीरो है, 50 टेंस की वैल्यू और 2 हमारी वंस की वैल्यू। आया समझ? अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे कुछ इसी तरीके। वैल्यू ऑफ वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000, ठीक है। यहां हमारी टेंस की वैल्यू भी जीरो है, हंड्रेड की वैल्यू भी जीरो है, तो इन वर्ड्स हम उसे किस तरीके से लिखेंगे? There are 3 zeros. Ones, tens, thousands, sorry, hundreds, thousands and 10,000. In words की form में कैसे लिखेंगे हम इसे? 70,000. अब 1000 की वैल्यू क्या है? जीरो, स्किप कर दीजिए। 100 की भी हम 100 की भी वैल्यू जीरो है, 10 की वैल्यू भी जीरो है, तो सीधा क्या आएगा? वंस की वैल्यू 1, ठीक है। इन वर्ड्स आंसर विल बी दिस। और नंबर्स में हम किस तरीके से लिखेंगे? 70,000 प्लस 1,000 की वैल्यू जीरो है, हंड्रेड की वैल्यू भी जीरो है, टेंस की वैल्यू भी जीरो है एंड 1, एंड आंसर विल बी 70,001। दैट्स इट, दिस इज इट फॉर दिस क्लास। एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल टीच अनदर, आई विल टीच यू द अनदर टॉपिक। Thank you so much. Have a nice day.